खास विलेज दिल्ली के टूरिस्ट प्लेस की एक ऐसी जगह जो दिल्ली के यंगस्टर्स के लिए काफ़ी पसंदीदा जगह बन चुका है। मुगल कालीन हौज खास अपने रेस्टोरेंट्स, पब्स, बार्स मतलब फैशन बुटीक्स के लिए काफ़ी पसंद किया जाता है। आज अनकवर इंडिया के इस एपिसोड में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हौज खास के बारे में कि हौज खास किस तरह अपनी आधुनिकता के लिए काफ़ी प्रचलित है। जी हाँ दोस्तों, मैं शालिनी आपको ले चलती हूँ इस छोटे से सफर पर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम इंडियंस का दिल बॉलीवुड में बसता है, हम हौज खास की एक ऐसी जगह पर आ पहुंचे हैं जहां दिलीप कुमार से लेकर रणबीर कपूर की फिल्मों के पोस्टर्स देखे जा सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कुछ इन हसीन पोस्टर्स को। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस दुकान में कितने इंटरेस्टिंग कलेक्शन है। अगर आपके अंदर बॉलीवुड का कीड़ा है तो यह आपके लिए बहुत ही फेवरेट जगह बन सकती है। तो ये शॉप मुझे काफी एक्साइट कर चुकी है क्योंकि यहाँ पर इतनी रेयर चीजें हैं जो मिलना बहुत ही मुश्किल है। मेरे पीछे हेमा मालिनी की एक एडवर्टीजमेंट है जो आज के जमाने में मिल नहीं सकती है। इसमें देख सकते हैं आप सागर साबुन जिसकी एडवर्टाइजमेंट हेमा मालिनी ने की है, लेकिन यह मिलना बिल्कुल मुश्किल हो चुका है। तो दोस्तों इसी तरह से काफी एंटिक और रेयर चीजों का कलेक्शन यहाँ पे आपको आसानी से मिल सकता है, तो आइएगा एक बार जरूर। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको दिखाई बॉलीवुड की एक ऐसी एंशियंट स्टोर जहाँ पर आपको हर तरह के पोस्टर्स मिल सकते हैं। तो आइए अब मैं आपको ले चलती हूँ हौज खास की फैशन स्ट्रीट पर, जहाँ पर आपको हाई और ट्रेंडी फैशन के कपड़े आसानी से मिल सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आ पहुंची हूँ एक ऐसी शॉप पर जहाँ पर सारी हैंडमेड चीजें मिलती हैं और यहाँ पर आपको सारी ट्रेंडी और फैशनेबल क्लोथ और बैग मिल सकते हैं। तो चलिए इस दुकान में। तो दोस्तों हम आ पहुंचे हैं इस गैलरी में जहाँ पर हर कोई हैंड प्रोडक्ट्स देखे जा सकते हैं और यह आपको दिल्ली में और कहीं नहीं मिलेंगे। यहाँ पर हर चीजें 100% हैंडमेड है। तो यहाँ पर मुझे काफी एक्साइटिंग और ट्रेंडी ड्रेसेस मिल रही हैं, जो कि मुझे लगता है कि मेरी फैशन के लिए बहुत ही अच्छी है और ये पार्टी वेयर के लिए बहुत ही पसंद की जाएंगी, तो गर्ल्स का यहाँ आना काफी वर्थ इट है। तो दोस्तों मैं हौज खास की एक प्यारी सी आर्ट गैलरी में आ पहुंची हूँ जहाँ डिजाइनर कपड़ों से लेकर एंशियंट स्टैचूज भी मिल सकते हैं और प्यारी प्यारी ज्वेलरी। मैं आ पहुंची हूँ एक ऐसे कैफे में जो ट्रैवलर्स के बीच काफी फेमस है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपके कैफे का नाम है कुंजुम, इसका नाम कुंजुम कैसे पड़ा? कुंजुम एक हाई ऑल्टीट्यूड पास है स्पीति वैली में, हिमाचल प्रदेश में। कुंजुम ला जो पास है वहाँ से ही हमारा ब्रांड और कुंजुम ट्रैवल जैसे इंस्पायर अच्छा होगी बहुत। तो दोस्तों आ पहुंचे हम एक और बेहतरीन आर्ट गैलरी में जहां नई से लेकर पुरानी आर्टिस्टिक चीजें देखी जा सकती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे सामने रखी हुई है ये बेहतरीन और खूबसूरत आर्टिस्टिक मूर्तियां। तो आप मुझे बता सकती हैं अपनी आर्ट गैलरी की कुछ खास बातें? हाँ, गैलरी की खास बात यही है कि हम गैलरी में मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी पेंटिंग्स के साथ साथ
ऐसे फोक एंड इंडिया के मतलब ट्रेडिशनल काम, ट्रेडिशनल फोक एंड ट्राइबल आर्ट ये सब भी रखते हैं। बिटवीन सबकी एग्जीबिशन हमारी गैलरी में होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको बताई हौज खास की कुछ ऐसी बातें जिनके बारे में आपको शायद अभी तक नहीं पता था। अनकवर्ड इंडिया के नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको ले चलेंगे एक नए सफर पर।